The explanation of this slogan, Mera Jism Meri Marzi, is totally right when it comes to protect women. But it's totally wrong when it comes to protect your sexual freedom. We are fighting with two extremists. In between these two extremes, we are ignoring so many things. Assalamu alaikum everyone, this is Sayyid Haseeb Zia and thanks for tuning into my YouTube channel Sayyid Haseeb. Kuch hi dino se hamare social media pe aur hamara jo mainstream media hai, national television, sare jo media hai us pe ek behas chal rahi hai jo ki मेरा जैसा मेरी मर्जी एक स्लोगन चल रहे हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मैं खलीलुर रहमान खमर का फ़ैन हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक बंदा किसी का फ़ैन हो तो वो उसकी हर अच्छी और बुरी बात को सपोर्ट करे। मारवी सरमद की आइडियालॉजी को मैं डिनाई करता हूं, और ये दो आई शुड से ये दोनों एक्सट्रीमिस्ट है, एक्सट्रीमिस्ट दो एक्सट्रीम आइडियालॉजी है और इसके बीच हम बहुत कुछ भूल रहे हैं। मैं अपना एक जनरल ओपिनियन आप लोगों के सामने रखता हूँ, फिर आप लोग ही लास्ट में डिसाइड करो कि ये स्लोगन गलत है या सही है, और ये स्लोगन जो हमारे सोसाइटी में लिया जा रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में ये सही है या गलत है। द स्लोगन इज मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मेरा जिस्म मेरी मर्जी गलत नहीं है, लेकिन उसकी तशरीह जो है वो गलत लिया जा रहा है हमारे सोसाइटी में। आप लोगों ने देखा होगा कितने बच्चों का रेप होता है, रेप करके उनका मर्डर किया जाता है, कितनी लड़कियों के चेहरों पर तेजाब फेंके जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे सोसाइटी में कभी भी किसी औरत से ये नहीं पूछा जाता कि आपने कितने बच्चों की माँ बनना है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि हमारे सोसाइटी में टर्क फन और हरासमेंट कितना ज़्यादा है, वुमेन हरासमेंट। एक सर्वे के मुताबिक 93% जो औरतें हैं वो हरास होती रहती है, इनमें से 70% वही औरतें हैं जो कभी जो ऑफिस में जॉब करती है, जो एनजीओज में जॉब करती है, जो प्राइवेट कंपनीज है, जो गवर्नमेंट कंपनीज है, 70%। यानी मेरा मतलब यह है कि ये पढ़ा लिखा तबका है वो भी हरास होता रहता है। अगर नहीं यकीन आता इस बात का तो आज ही अपने बहन बहू को लेके जाए अपने किसी भी लोकल बाजार में, तो आप लोगों को पता चलेगा कितनी हैरेसमेंट होती रहती है। तो अगर आप लोग इन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इस चीज़ को मारवी सरमद की निगाह से देख रहे हो, मारवी सरमद की आइडियालॉजी को ले रहे हो, तो इट्स सिंपल कि यह गलत है। कुछ तलाकी याफ्ता लोगों का ग्रुप उसने इकट्ठा किया हुआ है और हमारे सोसाइटी में फहाशी फैला रहे हैं और कुछ भी नहीं। वो लोग सेक्सुअल फ्रीडम मांग रहे हैं, जो कि हमारे सोसाइटी, हमारा पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और इसमें यह चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। मैं कभी भी उस आइडियालॉजी को नहीं सपोर्ट करूँगा जो मारवी सरमद की है, और ना ही हमारे घर में जो औरतें हैं और हमारे सोसाइटी में जो लोग हैं वो सपोर्ट करेंगे। मारवी सरमद का जो ग्रुप है वो फ़रोग दे रहे हैं हम जिन्स परस्ती को हमारे सोसाइटी में, और कुछ तलाक याफ्ता लोगों का ग्रुप उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है कि ऐसे मुआशरे में जहां 1 करोड़ से ज़्यादा लड़कियां अपनी शादी का इंतज़ार कर रही है, उनकी शादियाँ नहीं हो रही है सिर्फ इसी वजह से कि कभी कोई किसी फैमिली को जहेज चाहिए, कभी पता नहीं किसी फैमिली को क्या मसला है, कभी क्या मसला है, इसी वजह से शादियां रुकी हुई है। तो एक ऐसे मुआशरे में अगर ऐसी एक एनजीओ चलेगी तो ट्रस्ट मी, खलीलुर रहमान साहब ने इस आइडियालॉजी को जो गालियां दी है वे बिल्कुल सही है, और मैं उससे 200 गुना नहीं, 300 गुना नहीं, 500 गुना ज़्यादा गालियां दूंगा उस आइडियालॉजी को, क्योंकि ये हमारे सोसाइटी का जो मेन सिस्टम है वो तबाह कर रहे हैं। वी आर फाइटिंग विद टू एक्सट्रीमिस्ट्स, इन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स वी आर इग्नोरिंग सो मैनी थिंग्स। अगर आप लोग औरत मार्च इसलिए कर रहे हो कि जैनब जैसे बहुत सारे बच्चियाँ जो रेप होती रहती है वो प्रोटेक्ट हो जाए, तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू सपोर्ट योर औरत मार्च। अगर आप लोग औरत मार्च इसलिए कर रहे हो कि जहेज की वजह से जो शादियाँ रुकी हुई है या तो जहेज पूरी तरह ख़त्म किया जाए या फिर कम से कम किया जाए कि शादियों में कोई मसला ना हो, तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू ज्वाइन। अगर आप लोग औरत मार्च इसलिए कर रहे हैं कि लड़कियों के चेहरों पर तेजाब फेंके जाते हैं जो कि उनकी पूरी आने वाली पूरी जो जिंदगी है वो तबाह हो जाती है, तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू ज्वाइन योर औरत मार्च। अगर आप लोग औरत मार्च इसलिए कर रहे हैं कि 15-16 बच्चे पैदा करने के बाद भी औरत से नहीं पूछा जाता कि आपने अगला बच्चा पैदा करना है या नहीं, तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू प्रोटेक्ट दिस बेसिक राइट ऑफ दैट वुमन। अगर आप लोग औरत मार्च इसलिए कर रहे हैं कि 10-12 साल की बच्ची की
60 साल की बुढ़े से शादी करने से पहले उससे नहीं पूछा जाता कि आपने ये शादी करनी है या नहीं, तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू ज्वाइन योर औरत मार्च। और इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा जिस्म मेरी मर्जी का जो तशरीह है वो बिल्कुल ठीक है। द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्लोगन मेरा जिस्म मेरी मर्जी इज टोटली राइट व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्ट वुमेन, बट इट्स टोटली रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्ट योर सेक्सुअल फ्रीडम। आई पर्सनली सपोर्ट मेरा जिस्म मेरी मर्जी to protect so many Zainab in our society. Stay happy and tuned. See you in next video. Allah Hafiz.